हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं द पावर बाय रोंडा बायरन, शक्ति बुक। आज का चैप्टर का नाम है शक्ति और धन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, शक्ति और धन। चलो स्टार्ट करते हैं। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रैल्फ वाल्डो एमर्सन, 1803-1802, अंतर्ज्ञानवादी लेखक। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पैसे है तो उसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी है। इसी तरह आप एक पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं कैसी है। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते। क्योंकि दुनिया के अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीर और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज़्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज़्यादा अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते। क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथ में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज़्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज़्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती है। जैसे हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ज़्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षक हो या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, इसीलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आज जीविका के लिए आप कुछ भी तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है।
वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज़्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है। लाओस तो लगभग 6 सदी ईपू ताओवाद के संस्थापक प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज़्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बांट दें तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीज़ों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। नव विचार चार्ल्स हानेल 1866-1949 नव विचारवादी लेखक। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हैं तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नज़र डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ उससे पैसा चिपकने या न चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे उससे भी ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संपत्ति भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते
तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज़्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है। ज़्यादा खर्च हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएगी, जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देगी और ख़त्म करवा देगी। तो फिर कौन सी चीज़ पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षक शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा अनूठे और उत्कृष्ट है। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए, क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज़ की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग के विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो 354-430। धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती। चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक, आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले? जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज़्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलरूप आपको और भी ज़्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसीलिए जब आपको अच्छा महसूस न हो रहा हो, तो बिल न चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज़ में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं है, बल्कि आपने बेहतर सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें।
यह सोचे कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा। आपको अपने किए गए काम या दिन दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। सेंट कैथरीन ऑफ सियेना 1347-1380 दार्शनिक और कैथोलिक चर्च के डॉक्टर। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज़्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती, वे कृतज्ञ होने की बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कभी भी कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीज़ों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। खेलने के हर अवसर को लपक ले। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करे और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक ले। किसी चीज़ के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करे। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करे। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचे कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे आने का अफसोस करने के बजाय खुद खुशी खुशी पैसे दे देंगे। दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अर्थात धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह उल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरह रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा ले, जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहां अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज़ का भुगतान करने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड या नोट दे
तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे, आप अलग ढंग से बात करेंगे, आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होंगी, आप हर चीज़ पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, फिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज़ पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज़ के बारे में निश्चित होंगे, आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। यह धन के प्रति प्रेम की भावना है। और यही पैसे को चुंबन की तरह आपसे चिपका कर रखती है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ ले जैसे आप अपनी मनचाही चीज़ के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। नेवल गोदार्ड, 1905-1972, नव विचारवादी लेखक। धन को हाँ कहे, याद रखे, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसकी फ्रिक्वेंसी पर है। इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर है, इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके साथ हुई है, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा धन और सफलता को हाँ कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज़्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही है। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर है। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफ़ी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था।
लोग पैसे वसूलने के लिए फ़ोन करते थे और मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊँगी। इसीलिए मैंने हर अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई डॉलर निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी, पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूँ। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज़ सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं, दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में सुख खुशी के आंसू कई बार झलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई असमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव न बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फ़ोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। मैंने ज़्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं किया था, वह तो मैंने इसलिए दान किया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान किया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज़्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। मदर टेरेसा 1910-1997 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता धर्मोपदेशक। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने की बात अगले व्यक्ति को और बढ़ जाए। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएगी। करियर और व्यवसाय सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदय ही नहीं होता, बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिला ने भर से
कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। निकोलस जोसेफ वॉन जेक्विन 1727-1817 डच वैज्ञानिक। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती, और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए, आप तो उस सारे पैसों के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त ज़रूरत है। आप इतने मूल्यवान है कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त ज़रूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और उससे कभी प्रेम नहीं करते हैं, तो आपको न तो कभी पैसा मिलेगा न ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे आपकी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही चीज़ आपके पास इसी समय है और वह यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज़ खोजें और उसे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन दिया जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपनी बिजनेस कार्ड तैयार किया, उसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता था। इस व्यक्ति ने फ़ोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फ़ोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई है जो वह हमेशा से चाहता था, और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उसे उससे कहीं ज़्यादा तनख्वाह मिली। अगर आपको यह भी न मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है, और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर है। उसे पाने के लिए आपको तो वहाँ पर पहुँचना भर है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अल्बर्ट श्वेटजर 1875-1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। व्यावसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज़ चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं दे रहे हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो,
लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाओं वाली प्रतिक्रिया देते हैं तो इसके बाद कारोबार में ज़्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर स्थित है, इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल ईजाद करें, खेलें और वह सब करें जो आप कर सकते हो। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज़ से प्रेम करें। दूसरे कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप ही सफल हुए हो। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो वह आकर आपसे चिपक जाएगी। आप चाहे जो व्यवसाय, नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं तो आपके व्यवसाय या करियर का असफल होना तय है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं, इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य का बराबर योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज़्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज़्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीज़ें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीज़ों के बारे में सोचने से मिलती है। इसलिए कल्पना करें कि आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे आपके पास है, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के अगणित तरीके हैं। पैसा उसमें से एक है। यह सोचने की गलती न करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। यह सीमित सोच है और इस पर चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटना की श्रृंखला से एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंसी गई और उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी ज़मीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह अस्थिर रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज़ पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और उस पैसे से उसने अपने सपनों की कार खरीद ली। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही
इसीलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपने ओर आकर्षित कैसे कर लिया? क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन के नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया की थी। यह खबर सुनकर उसके खुशी के आंसू निकल आए थे। मेरी बहन इतनी खुश हुई और उसने इतनी ज़्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीज़ कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसीलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाए और आस्था रखे। अपनी मनचाही चीज़ की कल्पना करे और अपने भीतर खुशी महसूस करे। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज देगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारी समझ से परे होते हैं। यह सोचकर अपने जीवन को सीमित न करें कि पैसा ही मनचाही चीज़ को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाए, इसके बजाय आपका लक्ष्य तो वह बनना, करना या पाना होना चाहिए जो आप बनना, करना या लक्ष्य तो वह बनना, करना या पाना होना चाहिए जो आप करना, बनना या पाना चाहते हैं। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो उसमें रहने की खुशी की कल्पना और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय या खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीज़ें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती है। प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम का अवहेलना करते हैं और आपको परिणाम भुगतने होंगे। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। धन एक साधन है जिसे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर लाते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रखते हैं तो इससे आपको नकारात्मक चीज़ों के ढेर मिलेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसे के साथ तो प्रेम करें लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा और नकारात्मक व्यवहार करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, स्वास्थ्य, सुख शांति और आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज़्यादा देते हैं आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक न बन जाए। चार्ल्स हानेल 1866-1949 नवविचारवादी लेखक। आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की ज़रूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पैसों की कमी से कष्ट उठाएं,
क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। शक्ति के बिंदु, पॉइंट्स ऑफ शक्ति। प्रेम के आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितनी भी कम क्यों न हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीज़ों को कई गुना बढ़ा देती है। इसी चीज़ के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें, इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। हर नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमेरिकी प्रतीक के रूप में करें। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह उल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो वह आकर आपसे चिपक जाएगी। मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज़्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीज़ें पा सकते हैं। प्रेम के आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। कल्पना करें कि आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस चैप्टर। मिलते हैं शक्ति बुक के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर। रिमेंबर,
यूनिवर्स लव्स यू एंड द मच मोर एक्साइटिंग कंटेंट इज कमिंग. स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय.